तो गाइस, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि अब मान लीजिए आपका जो कंटेंट है वो 15 से 20 पोस्ट हो चुका है, तो अब आप एज अ बिगिनर एडसेंस को अप्लाई कैसे करोगे, एडसेंस में अकाउंट किस तरीके से बनाओगे, ठीक है? तो वो चीज़ इस वीडियो में कवर होगी। ये उनके लिए है कि जो बिगिनर है, बिल्कुल ही स्टार्टिंग से कर रहे हैं, हमारा कोर्स लिया है और यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें एडसेंस, गूगल एडसेंस पे साइन अप करना पड़ेगा। मैं ये कर रहा हूँ कि आपका जो है अकाउंट वो बन चुका है, मतलब कि जो आपके आर्टिकल्स हैं वो पूरे हो चुके हैं, अब इसके बाद हम अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है? तो हमने एडसेंस अकाउंट के लिए इसको साइन अप किया, ठीक है? यहीं से हमारी अभी वेबसाइट मांग लेगा। तो जैसे हमने ये वाली वेबसाइट थी हमारी, तो हम ये डाल देते हैं। आपको भी इसी तरीके से ये प्रोसेस करनी है, तो अपने डोमेन को यहाँ पे डाल देना, ठीक है? अब यहाँ पे हमें कर लेना है यस कर लो, यस कर लो, नो कर लो, नो कर लो। तो हमने करना है इसको इंडिया, ये आ गया इंडिया। इसकी टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेनी है और स्टार्ट पे क्लिक कर देना। तो इसके बाद अब आपको क्या दिखेगा, ये पूरा का पूरा जो है आपका अकाउंट बन चुका है एडसेंस का। ये सिर्फ बना है, अभी अप्रूवल के लिए अभी हमें भेजना है। तो यहाँ पे पेमेंट के लिए हमारी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो हमें इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी साथ के साथ। अगर आपका पहले ही एडसेंस अकाउंट है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे साइट्स में जाके लेफ्ट में और अपनी वेबसाइट को ऐड कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम हाउस नंबर कुछ भी डाल लेते हैं अभी, ऐसे बस डन। तो अब हमें क्या करना है अगला है, जो ये हम बाद में कर लेंगे, जो हमारी एड जहाँ से शो होगी हम वो वाला कोड अभी अप्लाई करने के लिए डालेंगे। तो ये कोड है, ये हमें कहाँ पे डालना है, थीम में जाना है, थीम एडिटर में जाना है, ठीक है? उसके बाद हमें इसको डालना हैडर फाइल में। हैडर फाइल आप सभी को पता होगा, ये हैडर डॉट पीएचपी होती है, जो हमारा जो जहाँ पे डाटा जो गूगल उठाएगा, बोट उठाएंगे, ठीक है, वो हेडर फाइल में डलते हैं हमारा सारा, या फिर कोई भी बोट आता है तो वो आपकी हेडर फाइल चेक करता है। तो इससे हमें कर देना है डन, ठीक है? अब हमें वापस आना है साइट्स पे, और हमारी साइट यहाँ पे ऐड होगी, तो हमें नोट रिव्यू डाल रहा है अभी, तो रिक्वेस्ट रिव्यू पे डाल देना है। तो जैसे ही ये रिक्वेस्ट रिव्यू चली जाएगी तो गेटिंग रेडी आ जाएगा। तो जब ये रेडी हो जाएगी तो आपके वहाँ पे रेडी का आ जाएगा, वरना आपको रिफ्यूज़ल रिजेक्शन आ जाएगा आपके मेल पे, ठीक है? तो अब ये चीज़ मैं आपको एज अ बिगिनर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको सारे वीडियो एक ही जगह मिलने चाहिए, इस कोर्स में मिलने चाहिए, आपको वैल्यू कुछ ना कुछ ऐड होनी चाहिए, तभी मैं ये सब चीज़ें इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है? कुछ लोग जो प्रोफेशनल हैं वो इस कोर्स को भी ले रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, वो स्किप कर दें वीडियो।